गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द फिजिक्स क्लास. स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पार्ट नंबर 6. इन दैट वी विल स्टडी अबाउट द एम्पियर सर्किटल लॉ. इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिड बायोट सेवर्ट लॉ एंड द एप्लीकेशन ऑफ बायोट सेवर्ट लॉ. नाउ टुडे एम्पियर सर्किटल लॉ. व्हाट इज एम्पियर सर्किटल लॉ? एम्पियर सर्किटल लॉ इज द अनदर मैथड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ स्ट्रेट वायर और नंबर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस. ओके, लेट्स स्टार्ट. हम कहते हैं नाउ द क्वेश्चन इज इफ द करंट आई फ्लोइंग थ्रू दिस स्ट्रेट वायर दैट इज आई. हमारे पास एक वायर है. व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर एट दिस पॉइंट? व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड? व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड दिस पॉइंट? इसके सर्कुलर राउंड में कितना जो राउंड इसके चारों तरफ जो फील्ड होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट फील्ड? दिस इज द क्वेश्चन. ओके, आंसर है कि जितनी करंट फ्लो हो रही है उतना फील्ड होगा. कैसे? ये एक यहाँ पर मैंने कहा कि इसके अराउंड हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं. हमने कहा कि यहाँ पर ये पॉइंट DL है और यहाँ से ये एक डिस्टेंस है R. इस R डिस्टेंस पर इस DL की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? आंसर है कि DL की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज B. एंड दिस BDL डिपेंड्स ऑन द करंट. हाउ मच करंट फ्लोइंग दिस वायर. फिर से अगर हम ये कहते हैं, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, एक ये करंट I फ्लो हो रहा है इस पॉइंट पर, मैग्नेटिक फील्ड कितना? आंसर है I. इस चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कितना है? आंसर है I. हाउ दैट इज पॉसिबल कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है हमारा? BDL. तो हमने कहा BDL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट I, I करंट फ्लोइंग. फिर मैं इस पॉइंट पर आया, इस पॉइंट पर DL, इस पॉइंट पर DL, इस DL की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना है? दैट इज BDL ऑल्सो डिपेंड्स ऑन I, राइट? थर्ड पॉइंट दिस वन, मैग्नेटिक फील्ड B ड्यू टू एट दिस पॉइंट DL, कितना मैग्नेटिक फील्ड है? BDL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. फिर एंड सो ऑन एन नंबर्स, BDL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, एन नंबर्स ऑफ एलिमेंट ड्यू टू दीज स्मॉल एलिमेंट द मैग्नेटिक फील्ड इज दिस 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 दिस. व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड? सिंपल, वी हैव टू एडिट दिस. व्हाट इज द मेथड टू एड दिस टाइप ऑफ फील्ड्स? इंटीग्रेशन. DL मैग्नेटिक फील्ड B, DL मैग्नेटिक फील्ड B, ऐसे हम तीन चार पॉइंट बना लेते हैं. एंड BDL इज इक्वल टू I. नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज द क्लोज पाथ. ये क्या कह रहा हूँ मैं? क्लोज्ड पाथ. हम इसमें भी करंट कह रहे हैं, हम इस करंट को क्या कह रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड. हम कहेंगे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? आंसर है जितनी करंट फ्लो हो रही है इसके अंदर उतना मैग्नेटिक फील्ड होगा. एक्चुअली करंट कहाँ को फ्लो हो रही है? करंट फ्लो थ्रू द वायर. इस कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है, इस पॉइंट पर भी मैग्नेटिक फील्ड आई होगा, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आई होगा. तो हम क्या कहेंगे कि इस क्लोज पाथ में जितनी करंट फ्लो हो रही है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड होगा. और वो करंट का सोर्स क्या है? ये कंडक्टर से जो करंट फ्लो होता है. आपने देखा होगा कि हम एक वायर यहाँ पर रखते हैं, एक सोलेनोइड, जो अब इसके एप्लीकेशन चलेंगे कि ये कैसे होता है. एक सोलेनोइड है हमारे पास, इस सोलेनोइड में हमने चार्ज दिया, दूसरा कॉइल ऐसे रखा, हम देखते हैं कि बिना टच किए इधर ट्रांसफर हो जाता है. आंसर है कितना ट्रांसफर हुआ? डिपेंड करता है कि ये कितना एक्सेप्ट कर रहा है उसको, डिपेंड करता है. और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है. मीडियम को कैसे डिनोट करते हैं? परमिएबिलिटी. क्या कहते हैं? परमिएबिलिटी. तो हमने कहा कि BDL इज इक्वल टू म्यू आई. अब क्योंकि हम ये फ्री स्पेस में कर रहे हैं, इट मींस म्यू नॉट आई. बहुत सिंपल है भैया, एकदम समझ में आना चाहिए कि एक वायर है, वायर की वजह से फील्ड कितना होगा? हम कहेंगे कि जितनी करंट वायर से फ्लो हो रही है. और उस फील्ड को हमने कहा कि हम एक इंस्टेंट पर देखते हैं, छोटे से DL के लिए देखते हैं. हमने कहा वो आई है, फिर नेक्स्ट DL के लिए वो आई है. एंड नंबर ऑफ DL इन द सर्कुलर पाथ दैट इज, नाउ वी हैव टू एडिट टू फाइंड द कंप्लीट फील्ड. तो BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई. ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड. ये क्या है? DL मतलब लाइन.
अब हमने जो गॉस लॉ किया था उसमें क्या किया था, सरफेस, हमने कहा सरफेस इंटीग्रल। नाउ हियर इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। क्या वर्ड यूज कर रहे हैं हम, लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ। लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ विल बी इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स, व्हाट इज म्यू नॉट, म्यू नॉट इज द परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, फ्री स्पेस, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द क्लोज पाथ विल बी इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स करंट फ्लोइंग थ्रू दैट पाथ। इसको लिख लेते हैं, व्हाट इज एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ स्टेट दैट, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, ACL स्टेट दैट, स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल, द लाइन इंटीग्रल, एम्पियर सर्किटल लॉ स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ विल बी इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अबाउट एनी क्लोज्ड पाथ विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट फ्लोइंग थ्रू दैट पाथ, इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट फ्लोइंग इन क्लोज पाथ या इन दैट क्लोज पाथ, कुछ भी लिख सकते हो, नो मैटर, इन दैट क्लोज पाथ। हमें समझ में आ जाता है कि बच्चे को समझ आ गया, बिल्कुल सिंपल श्योर और इजी डेफिनेशन, आप इजीली लर्न कर सकते हैं उसको। चलिए अब हम ये देखना चाहते हैं कि भाई ये इसके इक्वल होता भी है या नहीं। अब हमने बायो सेवर्ट लॉ में बहुत सारे प्रूफ देख लेते हैं, इसका दो लाइन का प्रूफ बना देते हैं। चलिए क्या याद रखोगे आप भी, टू और थ्री लाइन्स का प्रूफ देख लेते हैं। हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर की वजह से इस पॉइंट पी पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, ये हम फाइंड कर चुके हैं। कहाँ पे फाइंड किया हमने, सेंटर पे आई करंट फ्लो हो रहा है इस कंडक्टर से लाइक दिस। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बी एट पॉइंट पी, ठीक है ना, ये करंट फ्लो हो रहा है। तो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, हमने पढ़ा है म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई आर साइन 90, साइन 90 टू साइन, इट मीन्स टू पाई आर, ये सब बच्चों ने पढ़ा ही होगा भाई। जब हमने बायो सेवर्ट लॉ में एप्लीकेशन किया था स्ट्रेट लाइन का, तो उस स्ट्रेट लाइन के एप्लीकेशन में केस था हमारा, व्हेन एवर द पॉइंट पी लाई नियर द सेंटर ऑफ द वायर, अगर ऐसा होता है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड हमारा ये आया था। डायरेक्ट लिख सकते हैं, वी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू दिस, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आ जाता है। अब हमने कहा कि एक पॉइंट पर इतना है, तो इसके अराउंड कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड। अब ये पी है, हमने कहा ये स्मॉल डिस्टेंस डीएल है, और इसके मैग्नेटिक फील्ड कितना है बी। अब ये बी किधर एक्ट हो रहा है, आंसर है जिधर डीएल एक्ट हो रहा है, डीएल भी एक स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। डीएल एंड बी बोथ आर एक्टिंग पैरेलल टू ईच अदर, तो इंटीग्रेशन। अब यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए या फिर राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड, हम वो करेंगे जो इजी होगा। इजी क्या है, हम इसको उठाएंगे एंड पुट द वैल्यू, सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड पाथ बी डी एल वैक्टर, अब इसको ओपन करना स्टार्ट कीजिए। हमने कहा कि एक के लिए इतना, तो जितना भी यहाँ पर ये डी एल, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी इसकी, अगर रेडियस आर है, लेंथ विल बिकम द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ, इसकी सर्कमफेरेंस टोटल लेंथ कहलाएगी, दैट विल लेंथ टू पाई आर, ये क्या है हमारा जीरो। कहाँ से चले, यहाँ से चलते हैं, यहीं पर लौट कर आते हैं, जीरो से चले, टू पाई आर डिस्टेंस कवर किया, आई होप यू गॉट इट। तो बी डी एल, अब यहाँ पर वेक्टर हटाया हमने कॉस थीटा, थीटा क्या है बी और डी एल, बी और डी, देखिए हर कहीं जहाँ पर डी एल है वहाँ पर बी उसकी डायरेक्शन में एक्ट हो जाता है, दिस विल बी द डायरेक्शन, ये डी एल है
तो ये डीएल बी की डायरेक्शन में आ जाते हैं, मीन्स इट इज पैरेलल और अलोंग टू द डीएल। बी या तो पैरेलल बोलेंगे या फिर अलोंग टू द डीएल। इन दैट केस द एंगल विल बी जीरो, थीटा जीरो, तो कॉस जीरो इज इक्वल टू वन। वॉट इज दिस, जीरो टू टू पाई आर। बी की वैल्यू हमने निकाल चुके भाई, कितनी है हमारी, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर इंटू डी एल। तो डी एल को इंटीग्रेट कीजिए, क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर, डी एल का एल कहाँ से कहाँ तक, जीरो टू टू पाई आर। पुट द वैल्यू, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर इंटू टू पाई आर माइनस जीरो, उसका कोई मतलब नहीं है। दिस विल बिकम इक्वल टू दिस एंड म्यू नॉट आई, ये किसके इक्वल है, यहाँ से चले अब तीन चार लाइन है भाई, इससे ज़्यादा नहीं लिखना और मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, मार्क्स उतने मिलने हैं। बहुत सिंपल है कि बी हम जानते हैं स्ट्रेट लाइन की वजह से ये होता है, इसके सर्कुलर पाथ पर हमने टोटल फील्ड निकालना चाहा, दैट विल बी इक्वल टू दिस एंड फाइनली सिंपल सा सॉल्यूशन है, इसको कर लीजिएगा। ओके, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, आप प्रूफ कहोगे उसके लिए भी, और आप ये कहोगे कि एम्पियर सर्किटल लो से स्ट्रेट वायर के लिए क्या होगा, वो भी दोनों ही केस के लिए हमारा ये चलेगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं इजीली। तो दिस इज द लॉ। नाउ वी विल डू द एप्लीकेशन, देर आर द लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन, डिफरेंट बहुत एप्लीकेशन यूज होता है एम्पियर सर्किटल लॉ। आगे हम जब पढ़ेंगे सोलोनॉइड का, आगे जब एल की बात आएगी, जब हम एल को स्टडी कर लेंगे, तो इस सोलोनॉइड की हेल्प से हमारे नंबर ऑफ एप्लीकेशन इंक्रीज हो जाते हैं। आपके इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी, आप ये कंप्यूटर लैब सब जगह सोलोनॉइड इंडक्शन यूज होता है, ठीक है। तो वो इंडक्शन एल जब आएगा नेक्स्ट यूनिट में तब स्टडी करेंगे, अभी इसका जस्ट इंट्रोडक्शन हम लेते हैं कि भाई व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। ओके, तो एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, इसके हम बहुत टाइप से एप्लीकेशन फाइंड कर सकते हैं, क्या क्या एप्लीकेशन हो सकता है इसका वो समझ लेते हैं। चलिए एप्लीकेशन में इसका हम लिख लेते हैं, फिर कल इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन में सपोज करो आपको बोला है कि स्ट्रेट वायर है। हाँ, एक चीज़ और मेरे को बतानी है आप लोगों को, जैसे हम लोग गॉस थ्योरम या गॉस थ्योरम तो जो हमारी थी उसमें हम लोग क्या करते थे, उसके अंदर जो हम कर रहे थे वो ये था कि हम गॉसियन सरफेस एज्यूम करते थे, तब जाके हमारा जो फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आता था। लाइक दैट वी विल डू हियर, यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, लूप की बात करें, क्योंकि हम किसकी बात करें, एम्पियर सर्किटल लॉ, जो सर्किट बनेगा दैट विल कॉल लूप। तो यहाँ पर हमें गॉसियन सरफेस की तरह क्या एज्यूम करना पड़ेगा, एक एम्पियरन लूप, क्या एज्यूम करना पड़ेगा, एम्पियरन लूप। हमने कहा कि एक सिलिंड्रिकल वायर है, इट मे बी सॉलिड सिलेंडर, होलो सिलेंडर, कुछ भी हो सकता है, दोनों की वजह से पॉसिबल है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जब आप कोई कॉम्पिटिटिव सेक्शन करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। हम अभी बात कर रहे हैं एकेडमिक सेशन की, तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या बात कर रहा हूँ मैं, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ ACL, हम इसकी बात कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ ACL, एम्पियर सर्किटल लॉ। चलिए सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा हमारा, कि हम कोई ना कोई एम्पियरन लूप बनाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो एम्पियरन लूप लेने के बाद एक, फिर हम जैसे हम करते थे कि एक सिलिंड्रिकल वायर है, इस पॉइंट पर हमने गॉसियन सरफेस बनाया ऐसे, तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, लूप, इस पॉइंट पर, सरफेस पर और इनसाइड, तीन जगह हम फाइंड करेंगे, और तीनों जगह में क्या डिफरेंस आएगा ये देखेंगे कि कहाँ पर फील्ड ज़्यादा हो सकता है, कहाँ पर कम, क्या डिफरेंस है, तो वो चीज़ यहाँ पर डिपेंड करती है, मैटर करती है। ओके, तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है इसका, कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, सिलिंड्रिकल वायर। तो सबसे पहला पॉइंट, एप्लीकेशन फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सिलिंड्रिकल वायर, कोई भी हो, सिलिंड्रिकल सिस्टम होना चाहिए, सिलिंड्रिकल वायर कोई भी है, इट मे बी सॉलिड, डिपेंड है, सॉलिड, होलो, कुछ भी हो सकता है। नंबर टू, टू नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, एक बढ़िया एनसीईआरटी के अंदर बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है इसका,
कि हमारे पास एक वायर है, सिलेंड्रिकल वायर है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है. नाउ यू हैव टू फाइंड क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, रेडियस आर सपोज दैट, और रेडियस आर है तो आप फाइंड कीजिए कि एक पी पॉइंट लिया आपने जो कि स्मॉल आर से बड़ा है और स्मॉल आर से छोटा है और इज इक्वल टू स्मॉल आर है. इन तीनों ही केस में मैग्नेटिक फील्ड बताइए. मैं क्या बात कह रहा हूँ, ये एक सिलेंड्रिकल वायर है, वायर तो ऐसे ही होती है, इसका क्रॉस सेक्शन कुछ हमें दे दिया गया, इसका रेडियस आर हमें पता है, किसका, एम्पियरल लूप, इसको हम एज्यूम करके चलेंगे. तो इस आर के लिए हमें इस पॉइंट पी पर जिसकी डिस्टेंस यहाँ से कैपिटल आर है ये वाली, और जब इसके पॉइंट पर आ जाते हैं यहाँ पर, फिर इसके इनसाइड आते हैं हम यहाँ पर. अब देखिए ये जो पूरी करंट है पी पर पूरा वर्क कर रही है, पर जब हम सरफेस पर आएंगे तो वो सरफेस पर करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती. फिर हम कहेंगे कि जब हम अंदर आएंगे, अगर ये सॉलिड है तो इस सॉलिड के लिए हम करंट की बात करेंगे. करंट का मतलब इलेक्ट्रिसिटी. कैसे, जैसे ये यहाँ से पूरे एरिया से वाटर फ्लो हो रहा है ऐसे, ठीक है ना, हमने कहा टोटल वाटर आई है, या फिर चार्ज फ्लो हो रहे हैं, टोटल आई है. अब हमसे पूछा गया कि सिर्फ इतने में बताओ कितना वाटर फ्लो हो रहा है, तो हमें इसका एरिया निकाल लें एंड मल्टीप्लाई बाय दिस, पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया में आई करंट, एंड इन दिस क्रॉस सेक्शन एरिया क्रॉस सेक्शन विल डिक्रीजेस, वेन एवर द क्रॉस सेक्शन डिक्रीजेस तो करंट विल ऑल्सो डिक्रीजेस, तो ड्यू टू दैट करंट वी कैन फाइंड इजली. दिस इज द वे हाउ वी कैन फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सिलेंड्रिकल वायर. आउटर साइड में हमें पता है पूरा इफेक्ट रहेगा करंट का, तो वहाँ पर हम आई को लेकर कंसिडर कर, बट इन साइड द कंडक्टर वी हैव टू सेलेक्ट द कितना पानी, मतलब कितनी करंट फ्लो हो रही है, ये वाली करंट फ्लो हो रही है, ये हम बात कर रहे हैं. ओके चलिए अब हम आगे बात करते हैं. सेकेंड एप्लीकेशन क्या है इसका, सेकेंड एप्लीकेशन है बच्चों सोलेनॉइड. किसकी बात कर रहा हूँ मैं, सोलेनॉइड. क्वेश्चन है व्हाट इज सोलेनॉइड, सोलेनॉइड इज द हेलिकल पाथ. सोलेनॉइड आपने देखा होगा, स्प्रिंग, सिंपल सा स्प्रिंग बना देते हैं, इधर से करंट दी इधर आई, तो जैसे ही चार्ज फ्लो होता है उस हेलिकल पाथ में तो फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ऐसे फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, क्योंकि करंट अब कैसे फ्लो हो रहा है, लाइक दिस, ऐसे फ्लो कर रहा है करंट, पहले स्ट्रेट वायर थी ऐसे फ्लो कर रहा है, तो यहीं पर एप्लीकेशन डेवलप हो गई. एक वायर है, हमने ऐसे इसको चारों तरफ राउंड किया, राउंड करने के बाद उसको निकाला, वो एक स्प्रिंग बन गया, अब इधर से करंट दी इधर से, तो हमने मेजर किया, उसका इफेक्ट अलग आएगा, उसके बहुत सारे एप्लीकेशन आ जाते हैं. तो दूसरा पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड इन साइड ए स्ट्रेट सोलेनॉइड, या फिर स्ट्रेट ना भी हो, बाउंड हो सकता है. मैंने कहा था कि जब हम एल पढ़ेंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा राउंड वाला भी हमारा आएगा, तो हम कहेंगे सोलेनॉइड. सेकंड एप्लीकेशन सोलेनॉइड, वो भी एम्पियर सर्किटल लॉ पर बेस्ड है, सोलेनॉइड. नाउ द थर्ड एप्लीकेशन इज टोरॉइड. टोरॉइड क्या बन जाता है, ये सोलेनॉइड है, ये वाला हेलिकल पाथ. टोरॉइड क्या होता है, जब इस पाथ को आपने क्या किया, चारों तरफ घुमा के इस तरीके से ये बना ली, ये वायर, राइट, करंट यहाँ से गया, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे आउटसाइड हो गया, तो दिस वन इज़ द सोलेनॉइड, दिस वन इज़ द टोरॉइड. अब सोलेनॉइड और टोरॉइड के लिए हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड. नाउ दैट मैग्नेटिक फील्ड वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो. ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू.